नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब न्यूज़ नाउ में। आज मैं आपको RRB में जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड जो पोस्ट हैं उनकी जो लास्ट डेट है उसकी एक्सटेंडेड हो गई है, वो 7 अप्रैल 2019 से बढ़ाकर 22 अप्रैल 2019 कर दी गई है, उसके बारे में आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद। अब मैं आपको बताती हूँ कि RRB में जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल में जाके टाइप करना है RRB रिक्रूटमेंट 2019। उस पर आप एंटर करोगे तो आपकी ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। इसमें हमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पे एंटर करना है। तो उसके बाद हमारे पास ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगी। तो हमें जो फर्स्ट लिंक है एक्सटेंशन ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्टेड पोस्ट, तो इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें हमें दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट जिनकी जो लास्ट डेट है वो थी 7 अप्रैल 2019, लेकिन वो अब बढ़ा के क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कर दी गई है 22 अप्रैल 2019। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, ये हमारी पेमेंट की जो एप्लीकेशन पेमेंट की है वो क्लोजिंग डेट ये है। फाइनल सबमिशन है 30/4/2019। तो ये हमारी पहले से 15 दिन और आगे बढ़ा दी गई हैं, तो इसीलिए अब हमारे पास 15 दिन का और टाइम है ताकि हम इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा।